जो देख रहा है कि वो छक्का चौका सब कुछ कर रहा है, कोई जरूरत नहीं थी इस चीज की। में यार लूज शॉट, बिल्कुल यार इतनी लूज शॉट, इतनी अच्छी बॉल भी नहीं थी शॉट बॉल पे, या तो आता ये शॉट तो ऑन थी। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सुजान भाई। नहीं 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 कितना बड़ा विकेट है, यही गैम्बल, यही गैम्बल था ये। मैक्सवेल को लगाया छक्का आया, छक्का आया तब भी विकेट आ गई, इतना नहीं होना चाहिए। तीन बाउंड्रीज के बाद ठीक है, आपने गेम प्लान बना रखा है कि आपने ऊपर करके खेल लिया स्ट्राइक रेट, लेकिन इतना नहीं होता यार। एनीवे श्रेयस अय्यर एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ स्पिन, लेट्स सी क्या करता है श्रेयस अय्यर को। ये लोग शॉट बॉल तो मारेंगे, ले हो गया काम, हो गया ना काम, हो गया कि नहीं हो गया ये बता दो, हो गया ना, भी गया। यही होता है भाई, दिस इज अ वर्ल्ड कप फकिंग फाइनल। थोड़ा वर्ड्स यार, श्रेयस अय्यर भी गया, फिर पेसर आया, इस बार पेसर ने बाउंसर नहीं, थोड़ी शॉट, थोड़ी सी बॉल खींच के आउट कर दिया, फिर सारा प्रेशर विराट कोहली पे एक साथ। सीरियसली मैन, दो ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने, जो 10 ओवर में हमने अच्छा काम किया था, आप फिर ऑस्ट्रेलिया उधर कमबैक। आप अभी भी देखो आपके पास बैटिंग बड़ी पड़ी है, आप 10 ओवर खेल रहे हो, 20 ओवर का मैच तो नहीं है ना, आप लप पे क्यों घुमा रहे हो? इतनी बढ़िया स्टार्ट के बाद आप कोहली के साथ खड़े हुए, आपने और कुछ नहीं करना, 40 ओवर तक खेलना था और दोनों खेल जाते, आप विकेट गिफ्ट करके गए हो, मैक्सवेल को विकेट दे रहे हो यार, आप मैक्सवेल को 7 जन्मों में आपको आउट नहीं कर सकता मैक्सवेल, आप विकेट फेंक के जा रहे हो। 81/3 है, अब आपने रन बना लिए, रन तो आपने बना लिए, 3 विकेट आउट हो गई, अब आपके कौन बचे इफेक्टिवली? केएल राहुल एंड सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, सूर्या का आधे का बनता है, अगर आउट हो गया कोई, भगवान ना करे, सूर्या अगर 40 ओवर से पहले 35 ओवर से पहले क्रीज पे आता है, क्या बनता है उनका? अभी तक तो हम लोग उनका भरोसा नहीं है ना। अब देखो हमारा लास्ट होप ये केएल राहुल और विराट कोहली 40 ओवर खेले, जो कि खेल सकते हैं, केएल राहुल के पास वो गेम है, ये अपनी विकेट थ्रो नहीं करता, बट अब किस्मत पे आ जाती है सारी बात। ऑस्ट्रेलिया मैच में आगे हो गया, डैम इनसाइड एज था, इनसाइड एज था, ये कब हो गया भाई? इनसाइड एज लगा, बहुत सॉफ्ट डिसीजन। नहीं यार ये कैसे हो गया, ये अनलकी इतना ज्यादा, अनलकी था यार, इनसाइड एज लग के विकेट पे चली गई बॉल, बहुत अनलकी था। नो वे यार, शिट, क्या था भाई ये? वही ना, यही होता है प्रेशर। शिट, क्या था भाई ये? वही ना, यही होता है प्रेशर, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, एज लग गई नितिन उसकी यार, यार वही यार, ज्यादा बैड लक नहीं हो सकता, पूरा काम खत्म किया हुआ है। और रविंद्र जडेजा यहाँ पर आउट हो गए, एंड नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सूर्य कुमार यादव एंड केएल राहुल, एक विकेट और आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते, और यही होता है जब आप अपनी विकेट्स फेंकते हैं और फाइनल को जो हल्के में लेते हैं। जी को मार दिया था, हां मोशन कर दिया था जो, ब्लडी हेल भगवान, इसने सेटिंग है, यहीं से देखो बड़ा खेलना था मेरे भाई, 100 बॉल में 66 रन लगे रखा तुझे, अब बोल लो भाई 166 बना के गया, बोल लो कि विकेट गया, विकेट बचा रहे थे हम, बोल लो भाई विकेट बचा रहे थे, जो भी था यार यही तो खड़े होने की बात थी, रन में विकेट भी कैसे दिए, वो जो सुशांत भाई कह रहे थे लाइन शटर डाउन, हां तो तुम यार ये तो भाई ये तो होना यार, इसमें वो आगे भी ऐसे ही खेलेंगे सकते हैं यार। देखो इंग्लैंड वाला मैच याद करो, हम 239 कुछ पे आउट हुए थे, हमने 100 कुछ पे आउट कर दिया था उनको,
कुलदीप यादव अच्छी खासी वहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन कर सकता है, हमेशा कुलदीप यादव शमी से ऊपर आता है, बुमराह को कहाँ से भेज दिया, पागल हो चुके खराब हो गया, और कोई बात नहीं कर गए फिर से। मैं बोले जा रहा हूँ कुलदीप यादव को ही बनता है भाई, वो कुलदीप यादव शमी से ही पहले आना चाहिए था, बिकॉज आपने स्ट्राइक दे दी है सूर्या को, तुम तमाशे करे जा रहे हो, कभी शमी को भेज दे, कभी बुमराह को भेज दे, सिराज को भेज दो, अब भेजिए कुलदीप को जब 8 विकेट गिर चुकी है और प्रेशर पूरा बढ़ चुका है, पीक पे आ चुका है। ये ड्रामे करके ना तुमने जो तुम्हारी टेल थी जहां पे कुलदीप को भेजना चाहिए था, अब तुम 250 के भी मानदे हो गए, तुम्हें ये हारने वाला काम हो गया। अब सूर्या अभी तो 5 ओवर पड़े हुए हैं, बोलर्स को क्या रन दिए बचाने के लिए, अगर बोलर्स को क्या रन दिए बचाने के लिए, अगर हम कह रहे हैं कि बोलर्स जितवाएंगे भाई 250 भी नहीं देंगे तो कहां से बोलर्स बचा लेंगे, कहां से कर लेंगे, शनि भाई कहां से कर लेगा, बुमराह कहां से कर लेगा, कुलदीप यादव रन नहीं दे रहे हो आप, 10 में 10 जीत लो लीग स्टेज यार, फाइनल में तो आगे हार गए ना यार, 50 ओवर्स भी पूरे नहीं हो रहे आपके, नहीं हो रहे मेरे को 50 ओवर्स भी पूरे नहीं हो रहे, मुझे नहीं लगता कुलदीप यादव को भेजना चाहिए था, शमी को भेज दिया, शमी को बोल दिया तू मार ले बेटा, सूर्या तो मारेगा नहीं, सूर्य कुमार यादव 23 बॉल में 14 रन है, फिर आपने बुमराह को भेज दिया, अब आ रहा है कुलदीप यादव 107 बॉलों में 1 चौका मार रहा है, 61 की स्ट्राइक रेट, कितनी इजीली स्ट्राइक रेट, आया फाइनल खेल ले आए हो कि टेस्ट मैच चल रहा है यहाँ पे, टाइटल भेज के रेडी रखा पीछे नहीं बनते 250, मुझे तो नहीं लग रहा 250, मुझे 235 नहीं लग रहा, मेरे को एक रन ही यहां से लग रहा है, सूर्या भी जो पंडित वंडित कह रहे थे कि भाई जो पंडित तो नहीं होगा इस पिक्ट, जो भी लोग कह रहे थे कि सूर्या का पता नहीं ब्लेसिंग इन डिसगाइज लगे कि आपको हार्दिक पांड्या की इंजरी, वो भी देख लो भाई, इंस्टेड ऑफ यूर रोहित शर्मा स्टार्ट गलत तरीके से वो आउट हुए, विराट कोहली के रन, केएल राहुल के रन को पता नहीं मैं बेहतर समझू या उसको मैं मुसीबत समझू, पता नहीं अगर 107 बॉल में वो ऐसे बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो लग ही नहीं रहा भाई, ये वही टीम है जो अभी सेमीफाइनल तक अनबीटन आ रही थी, जिसकी बैटिंग किसी भी मैच में फ्लॉप नहीं हुई। हाँ ये पिच मुश्किल है, ये मत समझिएगा भाई हम लोग यहां बैठ के आंखें बंद करके बैटर्स को बस बोल रहे हैं, पिच मुश्किल है, बट मेरे को तो नहीं लगता यार कि अगर इतनी भी मुश्किल कोई पिच नहीं है जहां पे 107 बॉलों में आप ये 50 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे, दिस काइंड ऑफ अ पिच स्टिल फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड ही है भाई, शुरुआत से बैठे हैं जब से फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं खुद गिरते हैं, कभी कभी गिर जाते हो, सही बात है, इस वर्ल्ड कप में आप अभी तक नहीं गिरे थे, गिर गए, बड़ा मैच आया तब आप बिखर गए, नहीं बट ठीक है अभी ये 50 अभी आप जीतोगे देख लेना। सलामुअलैकुम दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद पहली अच्छी खबर यह आई है कि भारत खुद ही अपने कुएं में फंस गया है, क्योंकि इन्होंने कल दोस्तों ऐलान किया था कि हम पिच नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे, ICC ने भी कह दिया था, और पिच नंबर 5 बिल्कुल फ्लैट स्पॉट, आप उसमें 400 रन लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने साइड पे पिच नंबर 5 भी तैयार की हुई थी जो बिल्कुल स्लो पिच है, बिल्कुल बॉलिंग को फेवर करती है, और उसमें ऐसी पिच है कि तबाही वाली बॉलिंग हो सकती है और सामने वाली टीम को आप ढेर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 240 पर इंडियन टीम फाइनल में आकर ऑल आउट हो गई है, अपने ही गड्ढे में खुद गिर गई है, क्योंकि दोस्तों पैट कमिंस ने सारी पिचेस की तस्वीरें ले ली थी, उसे पता था पिच नंबर 5 कौन सी है 6 कौन सी है, कल इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कहा कि पिच नंबर 7 होगी, लेकिन सुबह आकर कह दिया कि पिच नंबर 5 होगी, और जब टॉस जीते पैट कमिंस तो उन्हें पता चल गया था कि यहां पर बैटिंग नहीं करनी बॉलिंग करनी है, वो कुआं जो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खोदा गया था, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन बॉलिंग तबाही की है, उसमें घिर गया है खुद इंडिया, और दोस्तों इंडियन टीम 240 पर बिल्कुल ऑल आउट हो गई, और क्या कमाल का टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें टेस्ट मैच में 107 पर 66 मारे हैं केएल राहुल ने, उसके अलावा किसी ने भी इतनी बड़ी पारी नहीं खेली, रोहित शर्मा के अच्छे स्टार्ट के बावजूद ये टीम 240 पर ही पहुंची है, रोहित शर्मा ने 31 पर 47 मारे थे, और दोस्तों वो भी अपनी विकेट देकर चलते हुए और कहा कि मेरे से अब यहां पर बैटिंग नहीं हो रही, मुझे तो बिल्कुल रोड वाली पिच चाहिए, अब देखते हैं कि इंडियन बॉलिंग क्या कारनामा करती है, आपने बताना है मैच के बाद क्या हुआ, और दोस्तों क्या इंडिया हार गया या फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को धो डाला।